हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह। आज मैं ऑप्शन की एक और स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। इस स्ट्रैटेजी का नाम है कॉल बैक। इस स्ट्रैटेजी को हम तब यूज़ करते हैं जब मार्केट के अंदर किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ आने वाली हो, वो न्यूज़ पॉजिटिव हो, तभी जो है हम इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वीडियो को एंड तक देखना तो आपको जो है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ पता चल जाए। अगर अब तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो इस लिंक पर क्लिक करके ज़रूर बना लेना। एंजल ब्रोकिंग जो है ऑप्शन ट्रेडर के लिए बेस्ट ब्रोकर है, इस पर तो ज़रूर आपका अकाउंट होना चाहिए। जीरोधा और अपस्टॉक भी बना सकते हो, तीनों ही ब्रोकर्स अच्छे हैं, किसी में भी चाहे आप अकाउंट बना सकते हो। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट्स हैं, इनको वन बाय वन चेक करो। माइंड में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर ये दो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं यहाँ पर आके ज्वाइन करो, और यहाँ पर भी जो है आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। स्ट्रैटेजी का नाम मैंने बता ही दिया है, कॉल बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी का नाम है। इसको हम लोग स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब भी स्टॉक में कोई न्यूज़ आने वाली हो, पॉजिटिव न्यूज़। किस तरीके से बनेगी स्ट्रैटेजी, मैंने IOC का स्टॉक चूज़ किया है, अभी चल रहा है 90 रुपीज़ पे चल रहा है। बिल्ड माई स्ट्रैटेजी पे मैं जाता हूँ। ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर ली है, 31 तारीख की ऑप्शन चेन जो है मैंने ओपन की है। इसको चाहे तो नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं, इसी मंथ भी कर सकते हैं, जब भी न्यूज़ आने वाली हो तभी जो है हमें इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। अब किस तरीके से हमें यूज़ करना है, यहाँ पर जो है हमें एट दी मनी को सेल करना है, और ऊपर की साइड पे 5 रुपये ऊपर चले जाओ, यहाँ पर 5 रुपये ऊपर जाके दो क्वांटिटीज़ जो है कॉल की बाय कर लेनी है। एट दी मनी का जो है सेल करना है कॉल ऑप्शन, और ऊपर की साइड पर कितना ऊपर, ये बहुत लोगों के माइंड में आता है कि भाई कहाँ पर जाके सेल करें। प्राइस के हिसाब से देख लो, जो 100 रुपये तक का स्टॉक है उसमें 5 रुपये का गैप रखो, जो 200 का है उसमें 10 रुपये का कर लो, जो 300 का 15 रुपये का। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, और इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है 5 रुपये बोल दिया तो कसम खाली भाई 5 रुपये पे ही लगाओगे। आप एडजस्टमेंट करके अपने हिसाब से देख सकते हो। ऑप्स्ट्रा जो है फ्री वेबसाइट है, यहाँ पर जो है ऑप्स्ट्रा पे आप जाके बना सकते हो इसको। ये सेंसिबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप ऑप्स्ट्रा पे जाके जो है अपना पे ऑफ ग्राफ बना सकते हो, चार्ट जो है बना सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। ये हमारी स्ट्रैटेजी बन के हो गई है तैयार। इसमें हमारे मैक्सिमम लॉस कितने हो सकते हैं, हमारे मैक्सिमम लॉसेज जो है वो 24,000 ही हो सकता है। इससे ज़्यादा हमें जो है इस स्ट्रैटेजी के अंदर लॉस नहीं देखने को मिलने वाला। मार्केट अगर अभी 90 रुपये पे चल रही है, 90 पे हम इसको लेके आते हैं, 90 रुपये पे मार्केट चल रही है, यहाँ पर अभी चल रही है मार्केट, अगर यहाँ से नीचे की साइड जाता है तो हमें प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। यहाँ पर अगर मार्केट नीचे की साइड रहता है तो हमें जो है 3,700 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। मतलब अगर कोई न्यूज़ आने वाली है और वो न्यूज़ पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव न्यूज़ निकल जाती है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं होता है, तो हमें लॉस नहीं होने वाला, तब भी जो है हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। हमें लॉस कहाँ पर होने वाला है, अगर न्यूज़ का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ और मार्केट थोड़ा सा ही आगे खिसका, अगर थोड़ा सा आगे खिसका तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत ही लॉस होने वाला है। हमें जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो हो सकता है 95 के ऊपर, जो कि हमारा 24,000 का लॉस होने वाला है। अब अगर न्यूज़ जो हमने एक्सपेक्ट की थी, हमारा जो हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा आगे भागने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आज 25 तारीख है, अब तो मार्केट 27 को ही ओपन होगा, हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट जो है भागने वाला है, नेक्स्ट डे कोई न्यूज़ आने वाली है, आज हमने ट्रेड ली, नेक्स्ट डे कोई न्यूज़ आने वाली है, एक ही दिन के अंदर ये 90 रुपये का स्टॉक अगर यहाँ पर 104 105 हो जाता है तो हमारा जो है बल्ले बल्ले हो जाने वाली है, और 110-115 तक भी जो है मार्केट अगर मूव कर जाती है, जो कि हो जाता है अगर न्यूज़ पॉजिटिव है, न्यूज़ अच्छी है, अच्छी कंपनी के ऊपर न्यूज़ आई है। अगर न्यूज़ अच्छी है किसी भी कंपनी के अंदर तो मार्केट जो है अच्छा खासा मूव दिखा सकता है आपके फेवर में, 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये 30 रुपये तक भी जो है मूव दिखा सकता है। और अगर मूव आ जाता है तो आप मूव आते के साथ ही जो है अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने IOC पे ट्रेड लिया और कल कोई इस पे न्यूज़ आने वाली है और वो इम्पैक्ट कर जाती है मार्केट को, और IOC एक ही दिन के अंदर अगर 104 पे पहुंच जाता तो हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, 28,000 रुपये का जो है हमें प्रॉफिट होने वाला है। इस ट्रेड को बनाने के लिए हमारा जो कैपिटल लगने वाला है वो 33,000 का जो है कैपिटल लगने वाला है। हेजिंग हो रही है इस वजह से जो है हमारा कैपिटल जो है काफ़ी हद तक जो है सेफ हो जा रहा है। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट्स को यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है हमें ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना है, हमें जो है न्यूज़ से पहले ही इस ट्रेड को बनाना है। अगर आप लंबे फंस गए तो मैंने बता ही दिया है कहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, 95 पे जो है आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर न्यूज़ वाले दिन ही आप इसको क्लोज़ कर दोगे तो आपको यहाँ पर इतना लॉस नहीं देखने को मिलने वाला। अगर कल न्यूज़ आने वाली है,
कल अगर मार्केट ऊपर नीचे यहीं कहीं पर फंस गया इस रेंज के अंदर, तो आपको इतना लॉस देखने को नहीं मिलने वाला है जितना अभी यहाँ पर ये 24,000 दिखा रहा है। ये थोड़ा बहुत ही लॉस होने वाला है, 1,000-2,000 का जो है आपको लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आपके फेवर में मार्केट चली जाती है तो आपको बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। इस स्ट्रैटेजी को जो है इवेंट्स के टाइम पे जब आप यूज़ करोगे तो आपको जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट से मिल। चैनल पे नए हो तो कसम खा लो गलती से भी इस सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाओगे, और अगर आप लोग चाहते हो कि कौन सी ट्रेड्स मैं अपने अकाउंट पे लेता हूँ तो ये ज्वाइन बटन दबा लो, यहाँ पर ज्वाइन कर लो। तो जितनी भी ट्रेड्स मैं अपने अकाउंट पे लूँगा यहाँ पर कम्युनिटी वाले टैब के अंदर पोस्ट कर दिया करूँगा, और मॉर्निंग में फ्री में लाइव सेशन करता हूँ, तो लाइव सेशन को तो आप आके ज्वाइन कर ही सकते हो, वहाँ पर फ्री में ट्रेड्स जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।